नमस्कार। तो हमारे वीडियो सीरीज दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो है नॉर्फ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्स या नॉर्फ्लॉक्सटीएट। अलग अलग नाम से सर आप लोग इसको जानते होंगे। पेट खराब होने पे सब इसको यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसके अलावा इसको यूज़ और भी है। एक कॉमन यूज़ है जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। तो नॉर्फ्लॉक्सासिन के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नॉर्फ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अलग अलग इन्फेक्शन पर काम करता है, बैक्टीरिया को आराम से ये मार सकता है। ये फ्लोरोक्विनोन क्लास से बिलोंग करता है एंटीबायोटिक्स के। इसका उपयोग सिर्फ जीटीआई या फिर डायरिया वगैरह में यूज़ नहीं होता, इसके अलावा भी इसका उपयोग है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ ऐसा है कि ये बैक्टीरिया के दो एंजाइम, एक आपका डीएनए गायरेज, एक टोपोआइसोमेरेज 4, इन दो एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है या इनको काम करने से रोक देता है। तो डीएनए गायरेज एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टोपोआइसोमेरेज 4 एंजाइम जो है ये आपको बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जब इन दोनों को ब्लॉक करता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया का ग्रोथ यानी इसका सेल डिवीजन बंद हो जाता है। इससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है बहुत सिंपल सा है। ओरल फॉर्म में जो भी इसको लेता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका अब्सॉर्प्शन आराम से हो जाता है। 1 से 2 घंटे लगते हैं इसको ब्लड कंसंट्रेशन पहुँचने में, मतलब पीक पे पहुँचने में ब्लड कंसंट्रेशन के। लेकिन इसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, 30-40% ही होता है इसकी बायोअवेलेबिलिटी। उसके बाद ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है, किडनी से एक्सक्रीट करता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 40% ड्रग जो होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है, अनचेंज्ड फॉर्म में किडनी से बाहर जाती है। इसका जो यूजेज है वो सबसे पहला यूज़ तो आप लोगों को पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डायरिया में, पेट खराब होने पे, फूड पॉइजनिंग होने पे इसका उपयोग करते हैं, ये आप लोग सबको जानते हैं। तो यहाँ पर जनरली दो तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है, एक सीगल और एक साल्मोनेला बैक्टीरिया पे ये काम करता है। इसके बाद इसका जो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव यूज़ है वो है आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और प्रोस्टेट इन्फेक्शन में। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किडनी में होता है, प्रोस्टेट में होता है। इसीलिए सबसे अधिक इफेक्टिव जो होता है वो किडनी और प्रोस्टेट वाले इन्फेक्शन में होता है, यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और प्रोस्टेट इन्फेक्शन में सबसे अधिक ये इफेक्टिव होता है। इसके अलावा कभी कभी एसटीडीज में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। और सबसे कम और सबसे रेयर यूज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसमें आपको इन्फ्लुएंजा और निमोनिया में इसका उपयोग किया जाता है, बट ये बहुत रेयर होता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स है बहुत कॉमन है, कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस होता है और नोसिया वोमिटिंग होता है, बट जनरली देखने को नहीं मिलता है साइड इफेक्ट इसमें। इसका जो डोज़ है वो बच्चों में तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब नहीं होता है। बड़ों में इसका डोज 400 mg ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम यूज़ करते हैं। इसका जो दूसरे ड्रग साथ इंटरेक्शन है वो तीन दवाइयाँ हैं जिससे इंटरेक्ट करता है। एक है आपको NSAID यानी कि जो दर्द वगैरह के लिए यूज़ करते हैं दवाई, उसके साथ ही इंटरेक्ट करता है। दूसरा थियोफाइलिन, तीसरा वारफरिन। तो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से होता क्या है, या तो नॉर्फ्लॉक्स इसके साथ इन दवाओं के साथ इंटरेक्ट करने के बाद नॉर्फ्लॉक्स का काम नहीं हो पाएगा, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर नॉर्फ्लॉक्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या हो सकता है कि उन दवाइयों का इफेक्ट बहुत कम हो जाए और या फिर उन दवाओं का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर इफेक्ट ज़्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके बाद इसको प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सेफ बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।